एमपी के नवागढ़ डीजीपी वीके सिंह बाबा महाकाल के दरबार पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई। वहां पहुंचकर उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस महकमे के नए कप्तान डीजीपी वीके सिंह पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार महाकाल की नगरी पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद विशेष अभिषेक कर पूजा अर्चना की। महाकाल पूजा के बाद डीजीपी वीके सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि वे उज्जैन में पहले भी एसपी के पद पर पदस्थ रह चुके हैं। बाबा महाकाल उनकी आस्था के केंद्र रहे हैं और अब उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है तो वे बाबा से आशीर्वाद लेने आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकाल अच्छा रहे और अच्छी पुलिसिंग हो इसके लिए बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगा। मैं यहाँ बहुत पहले एसपी रहा था 94-95 में। अब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रदेश का डीजीपी में नियुक्त हुआ हूं, तो मैं मेरे आस्था के केंद्र में रहे महाकाल बाबा, तो मैं आया हूं आज यहां पे दर्शन करने। और कार्यकाल अच्छा रहे, सभी के लिए अच्छा रहे, मैं कुछ अच्छा कर पाऊं पूरी पुलिस के साथ, इस आशा के साथ। थैंक यू। नहीं, इसका मैं पुलिसिंग के बारे में कह सकता हूँ, पुलिस अच्छा काम करेगी। कुल मिलाकर वीके सिंह ने अच्छी पुलिसिंग के साथ साथ प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था देने का भी आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।